Hey dear students, my name is Anshuman Gupta. I have completed my MSc in Mathematics and awarded by Gold Medal. I have completed BA from DAVD University. I have 5 plus year experience of teaching. Currently I am teaching to junior wing and for NTSC and PMSSB exams, Olympiad exams. And today we are going to discuss a very important topic. Euclid division lemma. So let's सीखते हैं कि Euclid division lemma होता क्या है. तो जैसे हम Euclid division lemma की बात करते हैं तो first term की lemma होता क्या है, what is lemma, second thing division and third thing Euclid. तो अगर हम इस तरह से topic को study करते हैं नाम से तो हमें रटा नहीं पड़ता है. तो जैसे हम बात करते हैं lemma का, तो lemma हम किसे बोलते हैं, लेमा मतलब एक अनप्रूवन स्टेटमेंट होता है. लेमा मींस दैट एनी अनप्रूवन स्टेटमेंट दैट हेल्प्स टू प्रूव एनी थ्योरम. ठीक है, यानी कि लेमा जो होता है एक स्टेटमेंट होता है जो हमें थ्योरम को प्रूव करने में हेल्प करता है. ओके, अब सेकंड थिंग आ रही है इसमें डिवीजन. तो डिवीजन का मीनिंग क्या होगा, ये हमने उसमें डिवाइड आएगा ऑफ द यूक्लिड. यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन ने बताया था इसके हम बोलते हैं. अब बात करते हैं जब यूक्लिड डिवीजन लेमा की, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सा डिवाइड है. ठीक है, जैसे हम डिवाइड करते हैं, लेट्स ले लेते हैं 4 से हम डिवाइड करने वाले हैं 15 में, तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ. यहाँ पे 4 का टेबल डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड कितना हुआ 12, और रिमाइंडर आ गया हमारा 3. अब अगर इन सभी नंबर्स में हम एक रिलेशन सर्च करें तो क्या आएगा, हम यहाँ से क्या रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं कि 15 इक्वल्स टू, मैं ऐसा कह सकते हैं 4 × 3 + 3. ओके, एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं. जैसे मान लो हमारे पास 6 है, 6 से हम 20 में डिवाइड करते हैं. ओके, अब अगर हम 6 से 20 में डिवाइड करते हैं तो 6 × 3 = 18, अगेन रिमाइंडर इज 2. ओके, तो फिर से हम इसी तरह लिख सकते हैं, फिर से हम लिख सकते हैं इसको 20 = 6 × 3 + 2. अब जब हम बात करते हैं इसे डिवाइड की तो क्या होता है, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को बोलते हैं क्या, डिवाइजर. ओके, जिस नंबर में डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड. क्या बोलते हैं, डिविडेंड. और जितने बार डिवाइड करते हैं यहाँ पे जो आंसर आता है उसे बोलते हैं कोसेंट. ओके, एंड यहाँ पे जो बच जाता है इस नंबर को हम बोलते हैं. ओके, और अगर हम ये सारा इन दोनों ही एग्जांपल में ये देखें तो हमें क्या लग रहा है कि जो डिवाइजर है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है डिविडेंड किसके इक्वल आ रहा है, डिविडेंड किसके इक्वल आ रहा है, डिवाइजर. यहाँ पे भी डिवाइजर, और इसे क्या बोलते हैं, कोसेंट, और इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. ओके, तो डिविडेंड इक्वल्स टू क्या है, डिवाइजर इक्वल कोसेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना है, ये समझ लो यूक्लिड डिवीजन लेमा. ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मींस एक हमारे पास नंबर में जिसे हम डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे उसे डिवाइजर बोलेंगे, जिस नंबर में डिवाइड करेंगे उसे क्या बोलेंगे, कोसेंट बोलेंगे, सॉरी जिस नंबर में डिवाइड करेंगे उसे क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे. एंड जो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग बचे जो जितने बार टेबल कर रहे हैं फाइनल आंसर आ रहा है उसमें बोलते हैं कोसेंट, और फाइनली जो यहाँ पे बच जाता है नंबर उसमें बोलते हैं क्या, रिमाइंडर. ओके, अब सेम थिंग यही चीज इसी का स्टेटमेंट देता है कौन, यूक्लिड डिवीजन लेमा. क्या स्टेटमेंट देता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें स्टेटमेंट देता है कि क्या स्टेटमेंट देता है, लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट एनी टू पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट व्हाट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इक्वल्स टू where r is less than b and greater than r equals to 0. Means that क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे हमारे पास दो कोई पॉजिटिव नंबर है a and b. ठीक है, अब हम अगर हम b से डिवाइड करें a में, ठीक है, b से डिवाइड करें a में, अब देखो क्वेश्चन में
आपके पास कोई भी नंबर रहेंगे ना, क्वेश्चन में कोई नंबर रहेगा या मैं थ्योरी समझ रहा हूँ। तो अगर हम बी से ए में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हैं तो क्या सर कुछ कितने बार कुछ टेबल करेंगे, कुछ टेबल करेंगे जिससे मान लो हमने टेबल किया क्यू बार, क्यू टाइम टेबल किया और यहाँ पे कुछ नंबर आया फाइनली आठ बच गया। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे इसे बोलते हैं डिविडेंड। इसे बी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिवाइसर। यहाँ पे ये जो जितनी बार हमने टेबल किया उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ये परसेंट है। एंड फाइनली रिमेनिंग जो बचा उसे क्या बोलेंगे, रिमेनिंग क्या बोलेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिवाइस डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवाइसर जो परसेंट पूरे से रिमाइंडर होता है। जहां पे जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो गाइड करते विद इन जीरो एंड बी, एंड जो रिमाइंडर होता है वो ए के जीरो के इक्वल हो सकता है। ओके, रिमाइंडर क्या होगा, जीरो के इक्वल हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, बट डिवाइजर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, ये जैसे हमने अभी दो एग्जांपल्स में देखे, लेट्स से अनदर एग्जांपल, वी आर गोइंग टू डिवाइड ए डिवाइड 26 बाय 8, देन वी गॉट फिगर 8 3 इज 24 एंड रिमाइंडर इज 2, मींस दैट 26 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, 8 इंटू 3 प्लस 2 वही आया ना, 26 डिविडेंड और 8 डिवाइजर और 3 क्वोशेंट और 2 यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, जैसे क्या बोलते हैं रिमाइंडर बोलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेमा है ये, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, अब यहाँ से रिजल्ट ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या रिजल्ट समझ सकते हैं, इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड ए बाय बी, देन अगर ये डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है मीन्स दैट बी इज डिवाइजर ऑफ ए, मीन्स दैट ए इज ए जो है बी से कंप्लीटली डिवाइड होता है, देन क्या होगा ये जो रिमाइंडर है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर की वैल्यू यानी कि अदरवाइज कंडीशन में ये जो आर रहेगा ये ग्रेटर देन रहेगा वन से एंड लेस देन रहेगा बी से, सॉरी जीरो से ग्रेटर देन रहेगा और वन से बी से लेस देन रहेगा। तो ये हुआ स्टेटमेंट है जिसका यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा मीन्स एन अनप्रूवन स्टेटमेंट दैट कैन हेल्प टू प्रूव अ थ्योरम। ओके, अब इस थ्योरम के एप्लीकेशन क्या क्या है, तो इस थ्योरम से हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, इस थ्योरम से हम एचसीएफ पता कर सकते हैं, है ना, फैक्टर पता कर सकते हैं, ऐसे कई सारी चीजें हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा रिलेटेड किससे, डिवीजन से, कोई अलग से कोई न्यू थिंग नहीं है, सेम जो हम अभी तक करते आए हैं डिवाइड वही डिवाइड है, बस उसी को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख दिया गया है कि जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब इसी मेथड से हम एचसीएफ भी पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं, एचसीएफ पता कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है, एक क्वेश्चन में बोल दिया जाता है फाइंड एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24। ओके, फाइंड एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24, देन हाउ वी गेट एचसीएफ। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ वी राइट डाउन 16 इज लेस देन 24, भाई जो नंबर छोटा होगा उसे लेके चलेंगे। ठीक है, तो 16 क्या है, 24 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एज साइड में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 16 से हमने 24 में डिवाइड किया, कितना 16 बन जाए 16, तो 16 बन जाए 16, रिमाइंडर कितना बचा 8। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलेंगे, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या लिख सकते हैं, 24 इक्वल्स टू 16 इनटू 1 प्लस 8। ठीक है, अब देखो एक चीज पे बिल्कुल ध्यान देना है, ये रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं होगा, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं होगा, डिवाइजर से छोटा रहेगा, एटलीस्ट कितना छोटा हो सकता है, जीरो इक्वल हो सकता है, नेगेटिव में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में बोला गया है ई ए एन बी आर पॉजिटिव इंटीजर। ओके, देन यहाँ पे देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, बच रहा है, तो जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे मतलब तब तक डिवाइड को कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर हमारे पास जीरो ना हो, और डिवाइड करेंगे कैसे, इस स्टेप में रिमाइंडर क्या 8 आ रहा है,
अब इस 8 से हम क्या करेंगे, जो पहले हमारे पास डिवाइजर था उसमें डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इस 8 से जो हमारे पास पहले डिवाइजर था, पहले डिवाइजर कौन था 16, तो यहाँ पे 16 में डिवाइड कर देंगे इस 8 से। तो 16 में अगर हम डिवाइड करते 8 1 8 8 2 16, और यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना बच गया 0, तो अगेन यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 8 व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, कहेंगे अगेन अगेन क्या है, ये 8 इज लेस देन 16, 8 इज लेस देन 16। अब 8 अगर 16 से लेस देन है तो फिर से अप्लाई करते हैं क्या, बाय यूक्लिड डिवीजन टेबल। क्या आ रहा है बताओ, ये 16 को ले सकते हैं 8 इंटू 2 प्लस कितना, रिमाइंडर कितना है 0 आया, रिमाइंडर 0 आया। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया वैसे ही यहाँ पे जो डिवाइजर रहेगा, इसी डिवाइजर को क्या बोल देंगे, एस जब इक्वल टू कितना 8, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन टेबल का यूज करके दो नंबर का या फिर तीन नंबर का ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक ये आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब ऐसे ही और कई सारे एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे आगे।